हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द अनदर पार्ट ऑफ आवर टॉपिक सिमेट्री एंड पैटर्न्स। पार्ट वन में मैंने आप लोग को सिमेट्री के बारे में एक्सप्लेन किया था, सिमेट्री क्या होता है या सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स किनको कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्रिक क्या होता है ये मैंने बताया था। मैंने ये भी बताया था कि कुछ ऐसे शेप्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, मगर कुछ ऐसे भी शेप्स होते हैं जिनके एक से अधिक लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। ओके, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, मतलब कम से कम एक लाइन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको पैटर्न्स का भी पैटर्न्स के बारे में बताया था, कुछ उसका एग्जाम्पल दिया था। ठीक है ना, पैटर्न का क्या डिफिनेशन होता है वो मैंने आप लोग को बताया था। तो आज हम लोग पैटर्न के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। कल हम लोग सिर्फ थोड़ा बहुत उसका डिफिनेशन भर जाने थे, आज हम लोग थोड़ा उसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का जो पार्ट है उसको। तो पैटर्न क्या होता है, कल तो मैंने बताया था आप लोग को, बट एक बार फिर से हम लोग उसको देख लेते हैं पैटर्न क्या होता है। तो पैटर्न इज एन अरेंजमेंट ऑफ an arrangement of letters, numbers, shapes, designs, etc. ठीक है, मतलब शेप्स, नंबर्स, डिजाइन्स के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिनके अरेंजमेंट को हम लोग पैटर्न करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे एक रूल को फॉलो करते हुए अरेंज करना। ठीक है, बाय फॉलोइंग ए रूल, तो हमें ये भी लिखना ज़रूरी है, बाय फॉलोइंग ए रूल, मतलब हमें पता होना चाहिए कि वो जो अरेंजमेंट हो रहा है वो किस रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, तभी हम उसको पैटर्न्स कहेंगे। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे ही लिखते जा रहे हैं, कोई नंबर्स को अरेंज करते जा रहे हैं, कोई रूल नहीं है, कोई ये नहीं है, तो हम उसको पैटर्न नहीं कहेंगे। जैसे अब आप एग्जांपल में समझिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ ए सी ई जी आई के। ठीक है, मैंने यहाँ पे 6 लेटर्स को अरेंज किया है। आप देखेंगे कि ये जो 6 लेटर्स हैं एक रूल को फॉलो करके अरेंज हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक पैटर्न कहेंगे, पैटर्न ऑफ लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स। क्या क्या पैटर्न है, तो ए के बाद बी आना चाहिए, तो बी को हमने न लिखकर उसके बाद वाले लेटर को लिखा है सी, फिर सी के बाद डी होता है तो डी को नहीं लिखकर ई लिखे हैं, है ना। इसी तरह से एक एक लेटर को छोड़कर हम लिखे। अब अगर आपसे बोला जाए के बाद कौन सा लेटर आना चाहिए, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि के बाद एल होता है तो एल को नहीं लिखकर एल के बाद यानी एम को लिखेंगे, है ना। तो ये क्या, एक पैटर्न है, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि नेक्स्ट आने वाला जो लेटर होगा वो क्या होगा। उसी तरह से एक नंबर्स का पैटर्न देखते हैं, जैसे आप लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, आपने 6 नंबर्स को ऐसे अरेंज कर दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये एक रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब आप देख रहे हैं कि हर बार 2 प्लस हो रहा है ना। तो हम नेक्स्ट अगर इसके बाद का अगर नंबर लिखना हो तो आपको बोले लिखने के लिए, तो आप आसानी से इसमें प्लस 2 करके जो आएगा वो लिख देंगे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये एक रूल को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ ए पैटर्न ऑफ ए नंबर। ठीक है ना, इट इज़ ए नंबर पैटर्न, ऐसे आप कह सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स के भी पैटर्न बना सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए सर्कल ट्रायंगल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी हम लोग एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इसमें सिर्फ 2 ही शेप यूज कर रहे हैं, एक सर्कल और एक ट्रायंगल, फिर सर्कल फिर ट्रायंगल फिर सर्कल फिर ट्रायंगल। तो अब इसके बाद अगर आपसे बोला जाए कि कौन सा शेप आना चाहिए, तो आप समझ जाएंगे कि इसके बाद सर्कल आएगा। ठीक है, तो डिज़ाइन के भी बहुत सारे पैटर्न, जैसे आपने घर में देखा होगा आपका बेडशीट में अक्सर डिज़ाइन पैटर्न होते हैं। ठीक है ना, वो एक पैटर्न को फॉलो करके उसमें डिज़ाइन बने होते हैं। साथ ही साथ आप अक्सर देखेंगे जो टाइल्स वाले फ्लोर होते हैं,
जिन फ्लोर पे टाइल्स बिछा होता है वो भी एक पैटर्न को फॉलो करके ही बिछाए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे जिसमें डिज़ाइन भी हो सकते हैं, शेप्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं या अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब मान लीजिए कि कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे इसको नेक्स्ट एग्जांपल में समझते हैं, ऐसे ही आप लिख रहे हैं कुछ भी है ना, जैसे ए सी डी एफ आई यू भी, कुछ भी आप लिखते जा रहे हैं, पता ही नहीं आगे क्या आएगा, ठीक है ना, कुछ नहीं पता है। बीच में कॉमा हम लोग देते जा रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं पता वी के बाद क्या आएगा, क्योंकि ये कोई रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग पैटर्न नहीं कहेंगे, इट इज़ नॉट ए पैटर्न। उसी तरह से अगर आप ऐसे लिख रहे हैं 2, 4, 3, 6, 7, 5, 8, 11, 10, देख रहे हैं ना, कुछ नहीं पता कि क्या आएगा आगे, आगे वाला नंबर कौन सा होगा आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इट मीन्स इट इज़ नॉट अ पैटर्न, ई एक्स मत समझिएगा, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ पैटर्न, ठीक है। तो यही बस बातों का ध्यान रखना है कि हम लोग किसी भी चीज़, कोई पैटर्न है वो किसी भी चीज़ के यूज़ से बन सकता है, लेकिन उसको एक रूल को फॉलो करते हुए हमको आगे बढ़ना है, अरेंज करना है, तभी उसको पैटर्न कहेंगे। यही बात ध्यान रखना है बस पैटर्न के लिए, ओके। अब जैसे जैसे मैंने बताया नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग उसको नंबर पैटर्न्स कहेंगे, लेटर्स का यूज़ करें तो लेटर्स पैटर्न कहेंगे, डिज़ाइन का यूज़ करें तो डिज़ाइन पैटर्न कहेंगे, शेप्स का यूज़ करें तो शेप पैटर्न, जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग उसको उसी के नेम से हम लोग बुलाएंगे, ओके। तो अब पैटर्न्स पे हम लोग कुछ ये कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे एक है कंप्लीट द पैटर्न्स, देखिए ये एक सर्कल है, फिर उसके बाद सेकंड पैटर्न में दो सर्कल यूज हो गया, फिर थर्ड पैटर्न में हम लोग 3 सर्कल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से। अब फोर्थ, फोर सर्कल। अब आपको इसके बाद का अगर अगला पैटर्न यहां पे लिखने को बोला जाए 3 इसके बाद का, तो आप क्या लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं ना कि हर एक नेक्स्ट, हर मतलब अगली बार जो जितने भी नंबर ऑफ सर्कल्स हैं वो एक बढ़ता जा रहा है, और वो इस हिसाब से बढ़ रहा है कि वो पहले पेयर के हिसाब से बन रहा है, फिर उसके ऊपर जा रहा है, फिर साइड में, फिर ऊपर, फिर साइड में, फिर ऊपर, इस तरह से जा रहा है। तो आप इसके बाद क्या बनाएंगे, 4 हो गया, और फिफ्थ को कहाँ देना चाहिए, साइड से, अब फिर ऊपर आएगा, पहले साइड में, फिर ऊपर, फिर साइड में, फिर ऊपर, अब क्या होगा, अब देखिए अभी ऊपर का एक खाली है तो हमको ऊपर में यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ऊपर नहीं जा सकता, तो अब हम इसको क्या करेंगे, साइड में लगा देंगे, ये जो सर्कल है उसको साइड में बना देंगे, ठीक है, मतलब पूरा साइड में पहले लिख रखेंगे, उसके बाद तब तक ऊपर बढ़ते जाएंगे जब तक कि ऊपर पूरा स्पेस ऑक्यूपाई ना हो जाए, है ना। अभी ये यहाँ पे अब हम लोग इसका पैटर्न किस तरह से बनाएंगे, फिर ऊपर आ जाएगा, फिर इसके बाद वाले में इसके ऊपर आएगा, फिर उसके बाद में उसके ऊपर आएगा, अब उसके ऊपर नहीं जा सकता तो फिर साइड में, इसी तरह से ये पैटर्न ग्रो करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है, समझ गए। अब एक अलग एग्जाम्पल देते हैं, नंबर पैटर्न का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे है आपका 16, 24, 32, 40,
40। अब इसके बाद हमको 4 और नंबर्स लिखने हैं, तो क्या क्या आएंगे। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, शुरू तो 16 से हो रहा है, ठीक है, बट हम लोग पहले ये चेक करते हैं, ऐड करके चेक करते हैं। तो देखिए 16 में 8 प्लस ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा, प्लस 8, और फिर 24 में प्लस 8 करेंगे तो 32 आ जाएगा। फिर इसमें 8 प्लस करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो अब आपको क्या समझ में आया कि हम लोग हर नेक्स्ट टर्म में 8 प्लस करते जा रहे हैं, तो अब 40 है, यानी कि इसमें भी हम लोग को प्लस 8 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 48। फिर इसमें 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। फिर इसी तरह से हम लोग प्लस 8 करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। समझ गए आप? तो ये क्या था, नंबर पैटर्न था, ठीक है ना। उसके आगे का भी बोला जाए आपको लिखने के लिए तो आप लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा रूल को फॉलो किया जा रहा है इस पैटर्न को बनाने में, ठीक है। तो बस इसी तरह से हम लोग पैटर्न के कोई भी नेक्स्ट टर्म को बता सकते हैं, अगर हम लोग रूल को आइडेंटिफाई कर लें तो, ठीक है। कुछ और भी हैं क्वेश्चंस जो थोड़ा इससे डिफरेंट है, उस पर भी थोड़ा हम लोग वर्क कर लेते हैं। जैसे ये देखिए पैटर्न, ये थोड़ा अलग पैटर्न है, वन प्लस टू प्लस, ध्यान दीजिएगा थोड़ा एकदम डिफरेंट है, इज इक्वल टू 6। फिर उसका नेक्स्ट में है 2 प्लस 3 प्लस 4 9। अब क्या होगा, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 12। अब इसके बाद का हमको 2-3 बताना है कि क्या होगा। अभी आपको इस पैटर्न को फॉलो करके इसको फिलअप करना है। तो अगर आप ध्यान दें इसको, तो यहां जो इक्वल्स टू के साइड वाला है वो 3 प्लस होते जा रहा है, मतलब 6 प्लस 3 हो गया, प्लस 3 12, तो यहां पे क्या होना चाहिए, 12 प्लस 3 15, और 15 प्लस 3 18 होना चाहिए, ठीक है। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये हमने फिलअप कर दिया। और यहां पर आप देख रहे, तो 1 2 3, तो 3 के बाद क्या आता है 4 5, फिर उस तरह से 2 3 4 5 6, फिर 3 4 5 6 7। और आप ऐड करके भी देख सकते हैं, आपका आंसर सही आ जाएगा। अभी हमने सिर्फ पैटर्न को फॉलो करके फिलअप किया है, अब प्लस करके देखिए तो क्या 15 आ रहा है, तो 4 प्लस 5 9 प्लस 6 15 होता है, 5 प्लस 6 11 प्लस 7 18 होता है। मतलब हमने पैटर्न को फॉलो किया तो भी हमने करेक्ट रिजल्ट पा लिया, ठीक है। थोड़ा अलग था लेकिन पैटर्न को फॉलो किए हम लोग, आसानी से आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से और भी आपके बुक में है, आप उसको बनाइएगा। एक और है थोड़ा अलग इससे, वो देखते हैं। जैसे 5 × 5 = कितना होता है 25। अब अगर ऐसा लिखा जाए 55 × 5, ध्यान दीजिएगा इस पैटर्न को, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, हालांकि ये मल्टीप्लिकेशन है बट इट इज फॉलोइंग ए पैटर्न। अब ये कौन सा पैटर्न है इसको आपको ध्यान देना है। अब इस पैटर्न को फॉलो करते हुए बिना मल्टीप्लाई किए भी आप आंसर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका आंसर बताना है, कैसे बताइएगा। तो अब देखिए यहाँ पे तो आपका 1 था 2 था 3 था, अब 4 हो गया, मतलब ये जो 5 है यहाँ पे 1 डिजिट में, यहाँ 2 डिजिट में, यहाँ 3 डिजिट में, यहाँ 4 डिजिट में है। और यहाँ पे आप देखिए केवल 115 है, तो ये ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए 2 5 है, बीच में 7 है, एक ठो आ गया, फिर दो ठो आ गया, अब क्या आएगा 3 7 आ जाएगा बीच में, मतलब 2 7 7 7 5। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप पैटर्न को फॉलो करके आंसर लिख पाएं। अब उसी तरह से अगर हम यहाँ पे 5 times 5 लिखते हैं और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए कितना बार होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 times है तो अब हो जाएगा 4 times, ठीक है। तो इसी तरह से आपका ये पैटर्न ग्रो करता रहेगा, है ना। इसके नेक्स्ट वाले भी अगर आपको आंसर देना हो तो आप इसी तरह से दे पाएंगे। तो ये सारा चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। एक और अच्छा सा पैटर्न है, इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। जैसे 37 into 3, आई नंबर है ये, 37 into 3 कितना होता है 111। अभी 37 into 9 222, 37 into 12, सॉरी इट्स नॉट 9 इट्स 6, ये यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है और इसमें आ रहा है 3 3 3। अब इसका नेक्स्ट आपको पैटर्न का आंसर बताना है, 37 into 12 कितना होगा, इसका आंसर बता, इस पैटर्न को फॉलो करके इसका आंसर बताना है। तो देखिए आप यहाँ पे 111 था, यहाँ पे 222 था, यहाँ पे 3 3 3 3, और यहाँ पे आप देखिए सब में 37 ही है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे 3 3 ऐड हो रहा है, यहाँ 3 plus 3 6 plus 3 9 plus 3 12, तो ये पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस पैटर्न को फॉलो करके अगर देखें तो ये होना चाहिए 4 4 4, है ना, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, तो 4 4 4। अच्छा, इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक किया जाए कि पैटर्न के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं। यस, आप मल्टीप्लाई करके भी चेक करिएगा, इतना ही आएगा। उसी तरह से अगर हम इसको 12 में 3 ऐड कर दीजिए तो 15 हो जाएगा, और 15 मतलब इधर के पैटर्न के हिसाब से 3 प्लस करना था, और इधर पैटर्न के हिसाब से क्या होना चाहिए 5 5 5, 4 के बाद 5 आता है तो 5 5 5, तो अभी हो गया। यस, बिल्कुल एकदम सही आ रहा है ना। हमने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया लेकिन पैटर्न को फॉलो करके हम लोग आंसर कर पा रहे हैं, तो यही होता है पैटर्न, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे कुछ रूल्स, कुछ स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे को हम लोग पैटर्न्स कहते हैं, ठीक है। और कुछ, अब पैटर्न से रिलेटेड कुछ और चीज है जिसमें हमको सीखना है, अब ये पार्टीशनिंग नंबर इन डिफरेंट वेज। नंबर पार्टीशन करना मतलब होता है दो भाग में बांटना, ठीक है ना। पार्टीशन करने का मतलब होता है दो भाग में बांटना, जैसे फॉर एग्जांपल 34 ये एक नंबर है, ठीक है। अब इसको हमको 2 parts में डिवाइड करना है, डिवाइड नहीं करना है मतलब दो पार्ट में इसको इस तरह से दो पार्ट में बांटना है कि दोनों को जोड़ने पर ये वापस 34 हो जाए। तो आप तो कई तरह से कर सकते हैं, जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं 10 plus 24, आप लिख सकते हैं 20 plus 14, आप ये भी लिख सकते हैं 30 plus 4। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, आप और भी कई तरह से इसका पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, 10 plus 24। उसी तरह से अगर आपको बोला जाए 64 को पार्टीशन करने के लिए, या कोई दूसरा नंबर ले लीजिए 63 को पार्टीशन करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप इसको ऐसे कर सकते हैं, फिर वही हम लोग ऐसे कर सकते हैं 10 plus 53, 20 plus 43, 30 plus 33, 40 plus 23,
ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 10 ऐड होते जा रहा है और यहाँ पे 10 माइनस होता जा रहा है, यही पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना। यहाँ पे 10 प्लस होते जा रहा है, इस रो में इस कॉलम में देखिए तो 10 प्लस होता जा रहा है और इस कॉलम में देखिए तो 10 माइनस होते जा रहा है। तो यही इस और एक्चुअली में इसमें है नहीं कुछ, इसमें हम लोग को बस एक नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करके देख लेना था और ये बहुत ही सिंपल है। तो इसी तरह अगर कोई भी नंबर आपको पार्टीशन करने के लिए दिया जाए तो आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने 10-10 का यूज़ किया है, आप कोई और नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट कि आपको हमेशा यही करना है। जैसे उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 15-15 ही कर लेते हैं, मान लीजिए 75 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फिफ्टीन प्लस 60। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 45 प्लस 30। मतलब यहाँ पे आप देखिए 15-15 हम लोग ग्रो हो रहा है इधर से और इधर 15-15 माइनस हो रहा है। तो ये भी एक ऐसे भी हम लोग पार्टीशन कर सकते हैं, है ना। कोई इट्स नॉट लाइक जैसा मैंने बताया वैसे ही करना है। और अब एक लास्ट हम लोग का टॉपिक है पैटर्न्स इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। पैटर्न्स इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन मतलब जब हम लोग मल्टीप्लाई भी करते हैं तो उसमें भी कुछ पैटर्न्स बन के आता है। जैसे अगर आपको बोला जाए 10 का टेबल लिखना चाहिए, है ना, 10 का टेबल लिखने के लिए आपको बोला जाए तो जैसे 10 वन ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, 10 थ्री ज़ा 30। तो आप देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है वो एकदम सेम है, सेकंड कॉलम में काउंटिंग हो रहा है और थर्ड कॉलम में 10 ऐड होते जा रहा है। तो ये भी एक पैटर्न है। अगर इसका पूरा 10 तक टेबल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 × 4 = 40, 10 × 5 = 50, 10 × 6 = 60। इसीलिए बच्चे आसानी से 10 का टेबल भी याद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली में एक पैटर्न को फॉलो करता है, इसीलिए ये क्विकली याद भी हो जाता है बच्चों को। उसी तरह से अगर हम लोग डिवाइड करें किसी नंबर को 10 से, लाइक जैसे 100 को अगर 10 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 10, 90 को 10 से डिवाइड करें तो 9, 80 को 10 से डिवाइड करें तो 8। मतलब अगर आप और इसी तरह से 10 माइनस करते जाएं इस कॉलम में, इस कॉलम में सेम रहेगा तो यहाँ भी 1 माइनस हो रहा है, मतलब इस कॉलम में 10 माइनस हो रहा है तो इस कॉलम में 1 माइनस होते जा रहा है। तो ये भी एक पैटर्न ही हो रहा है जो कि हम लोग मल्टीप्लाई करने से पैटर्न को पा रहे हैं और यहाँ पे डिवाइड करने से पैटर्न हमें मिल रहा है। तो इतना ही था आपके पैटर्न में, ओके। तो इसी के साथ हमारा पैटर्न का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एक छोटा छोटा आपका कुछ एग्जाम्पल है जो हमें कर लेना चाहिए, तो उसको बस हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद वीडियो को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जैसे एक नंबर पैटर्न इसको मैं कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे ये है आपका 10, 20, 30, अब क्या आएगा, बहुत आसान है। जैसे ये ले लीजिए 110, 120, 130। अब इसके बाद आपको बोला जाए तो आप आसानी से आंसर कर देंगे। फिर एक और एग्जांपल लीजिए, 500, 450, 500, 450, 400। बस थोड़ा सा आपको पता करना है कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए 10 का टेबल है, मतलब 10 इंक्रीज होते जा रहा है, 10 ऐड होते जा रहा है, तो 30 के बाद 40, 50, 60 हो गया। यहाँ भी देखिए 10 इंक्रीज हो रहा है, 110, 120, 130, 140, 150, 160। यहाँ पे देखिए डिक्रीज हो रहा है, 500 से 450, 450 से 400, 400 से 350, 350 से 300, फिर उससे 50 − 250। तो इस तरह से आप लोग इस पैटर्न को और आगे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये जो टॉपिक है सिमेट्री एंड पैटर्न इसको कंप्लीट करता हूँ, है ना, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, ठीक है। आई होप आपको सिमेट्री और पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे।